में सीखने वाले हैं जो पहले इंडिया का पार्ट था. यस, वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का पहले का नाम था कांधार, या गांधार भी कह सकते हैं उसे. सो, आपने अगर महाभारत देखी हो तो महाभारत के टाइम पे गांधार नरेश शकुनी याद आया कुछ? परफेक्ट. सो आइए हम देखते हैं कि व्हाट स्पेशल अबाउट अफगानिस्तान. सो वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल पेंटिंग वॉज मेड इन अफगानिस्तान. कैसा लगा ये आइकन? इट इज इजी टू रिमेम्बर, राइट? एंड व्हाट इज दिस आइकन? कुछ याद आ रहा है आपको? सोचिए जरा, व्हाट इज दिस आइकन? यू आर राइट, इट इज अ बुद्धा आइकन. व्हाई बुद्धा? वर्ल्ड की टॉलेस्ट टू बुद्धा स्टैच्यूज वेयर इन अफगानिस्तान. वेयर? व्हाई? बिकॉज 2009 में तालिबान ने उन्हें तोड़ दिया. वी आर सैड फॉर इट, बट वर्ल्ड की टॉलेस्ट टू स्टैच्यूज वेयर इन अफगानिस्तान, टॉलेस्ट बुद्धा स्टैच्यूज. What is this? 21st March, Happy New Year. 21st March, Happy New Year. 1st January होता है ना? But Afghanistan में New Year is celebrated on 21st March. Why 21st March? Because Parsi New Year, Nowroz भी तो 21st March को होता है. So before Afghanistan became a Muslim country, it was a Buddhist and a Parsi country. Correct. So अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल. करेंसी इज अफगानी. कितना आसान हो जाता है ना, अफगानिस्तान अफगानी. एंड द लैंग्वेज दे स्पीक इज दारी एंड पास्तो. दारी एंड पास्तो इज अ वेरिएंट ऑफ अ पर्शियन लैंग्वेज. पर्शियन यानी कि यस, नवरोज जो सेलिब्रेट करते हैं पारसी लोगों की लैंग्वेज, उनका एक वेरियंट है. एंड देखना ना भूलिएगा कि हम किस तरीके से फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं. Thank you.